नमस्कार दोस्तों, आज हम नमक पारे बनाएंगे जिसके लिए हमें सामग्री चाहिए। 300 ग्राम मैदा, आधी कटोरी घी, एक चम्मच अजवाइन, आधा चम्मच नमक। नमक हमने छोटा चम्मच लिया है। नमक आप अपने स्वाद अनुसार दे सकते हैं। वैसे नमक इसमें कम डालें तो ही अच्छी लगती है, ज़्यादा नमक हो जाता है तो ये सब नमक पारे अच्छे नहीं बनते हैं। ये इस प्रकार बराबर से मिला देंगे अपना नमक, ये चारों तरफ से चला देंगे। अब हम इसमें तेल डालेंगे। मोवन के लिए हमने लिया था एक बड़ा चम्मच लिया था हमने तेल। ये अब हम इसको बराबर से ऐसे ऐसे करते जाएंगे ताकि ये तेल हमारा अच्छी तरीके से मिल जाए। इसमें मोवन अच्छे से मिलेगा तभी वो पेसी बनेगा बिल्कुल बाजार जैसी। ये हम इसको अच्छे से ऐसे ऐसे करते जाएंगे बराबर से ताकि इसमें बिल्कुल दाने ना रहें, पूरी हमारा तेल मिल जाए अच्छी तरीके से। और ये बिल्कुल खस्ता बनती है, बहुत ही टेस्टी लगती है, सबको बहुत पसंद आती है। ये हमारा अच्छे से ही मोवन मिल गया है। अब हम इसमें धीरे धीरे पानी ऐड करेंगे। ये हम पानी धीरे धीरे ही लगाएंगे डालेंगे इसमें। क्योंकि इसका आटा कड़क ही लगता है, गीला हो जाएगा तो फिर वो चिपकने लगती है। ये हमारा आटा तैयार हो गया है। अब हम इसकी लोइयां बनाएंगे। ये हमारी 3 लोइयां बनी हैं। हमको इसको थोड़ा मोटा ही रखना पड़ता है इसलिए हम छोटी लोई नहीं बना रहे हैं, लोई बड़ी ही रख रहे हैं। अगर मोटा नहीं करेंगे पतला करेंगे तो फिर वो क्रिस्पी नहीं बनता अच्छे से। ये हमारी लोइयां बन गई हैं। इस तरीके से देखते जाएंगे। ये हमारी रोटी बेल गई है। ये हम थोड़ा सा, ये देखिए, इसको इतना मोटा ही रखेंगे, पतला नहीं करेंगे ज्यादा। हम ऐसे काटेंगे इसको अच्छे से। आप चाहें तो दूसरी डिजाइन भी बना सकती हैं इसमें अपने मन पसंद। ये हम इसको इस तरह से निकाल देंगे अपना अलग अलग करके। ये ऐसे, ये हमारा अब तैयार है, कट करके तैयार हो गया है। बस अब हम इसको डीप फ्राई करेंगे। अब हम गैस पे कढ़ाई रखेंगे। पैन में हमने तेल डाल दिया है। अब हम गैस को ऑन कर देंगे और तेज आंच पे इसको तेल को गर्म होने देंगे। हम इसको एक डाल के देखेंगे तेल हमारा गर्म हो चुका है कि नहीं। हाँ, हमारा तेल गर्म हो चुका है। अब हम गैस को धीरे कर देंगे और इसमें अपनी ये खुरमी डालेंगे इस तरीके से। अगर चिपक गई है तो भी कोई बात नहीं, ये तेल में जाने के बाद सब अलग हो जाती है। ये अब हम इसको बराबर से चला देंगे और धीमी आंच पे इसको डीप फ्राई होने देंगे। ये इस तरीके से बराबर से चलाते जाएंगे। ये हम बराबर से चलाते जाएंगे इनको। बिल्कुल गैस को हमें मंदा ही रखेंगे ताकि अच्छे से डीप फ्राई हो जाए।
गैस को तेज नहीं करेंगे। ये हमारे तल गए हैं, अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे इस तरीके से। ये देखिए बढ़िया सुनहरे हो गए हैं, ज्यादा नहीं पकाए हैं। ये हमारे नमक पारे तैयार हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।